रिप्रोडक्शन दूसरी प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। चलिए इसको भी समझते हैं अब। री एंड रिप्रोडक्शन दो वर्ड से बना हुआ है एक वर्ड। कुछ बायोलॉजी के जो वर्ड्स होते हैं वो खुद ब खुद अपना मीनिंग बता देते हैं और ये वर्ड उन्हीं में से एक है। रिप्रोडक्शन दोबारा से प्रोड्यूस करने की बात है किसी चीज़ को। किस चीज़ को प्रोड्यूस करना है दोबारा से? इट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी हैविंग फीचर सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स। ये है प्रोजेनी का प्रोडक्शन। प्रोजेनी मतलब बेबी। सिंपल वर्ड यूज़ नहीं करते, ये बहुत कॉम्प्लेक्स वर्ड ही यूज़ करेंगे, लोगों को उलझाने में बहुत मज़ा आता है बुक्स को। प्रोजेनी का मतलब होता है बेबीज, ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं हम। ये बेबीज का प्रोडक्शन है। कौन करता है बेबीज का प्रोडक्शन? पेरेंट्स। और सिमिलरिटीज क्या होती है पेरेंट्स और बेबीज के बीच में? हैविंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, मतलब ये बेबीज के फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो पेरेंट्स जैसे ही होते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। आप लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं दो तरीके के रिप्रोडक्शन होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आपको फिगर में मैंने दोनों दिखाए हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी दिखाया है। इन यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर सेम बिकॉज दे रिप्रोड्यूस बाय सेल डिवीजन। यूनिसेल्यूलर में आप ये बोलो कि रिप्रोडक्शन हुआ तो इसका मतलब हुआ कि एक बैक्टीरिया था उससे दो बैक्टीरिया हो गए। उसी चीज को आप ग्रोथ भी बोल सकते हैं। एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का होना वो ग्रोथ भी है और वो रिप्रोडक्शन भी है। एक सेल से दो सेल बनना वो ग्रोथ भी है और वो रिप्रोडक्शन भी है, क्योंकि वो यूनिसेल्यूलर है। एक सिंगल सेल ही लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह एक्ट कर रहा है। पर नॉन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोडक्शन नहीं शो कर पाते, वो अपने जैसे दूसरे बेबीज फॉर्म नहीं कर पाते। अपने पास एक बाइक है तो रात को अपने रख दी, अपने पार्क कर दी तो नीचे उतर के आओगे सुबह तो वो दो नहीं हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं करती। अगर ऐसा होता तो हम सब पैसे भी डबल कर लेते फिर। पर नॉन लिविंग चीज़ें रिप्रोड्यूस नहीं होती, वो रिप्रोडक्शन नहीं करती। इसीलिए रिप्रोडक्शन इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो लिविंग का ही एक यूनिक फीचर है। तो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ और रिप्रोडक्शन एक ही चीज़ है, पर जो मल्टी सेल्यूलर है उनके लिए नहीं। हमारी बात करिए, हमारे लिए ग्रोथ का मतलब होता है हमारी बॉडी का वेट इंक्रीज होना, हमारी हाइट का इंक्रीमेंट होना। जबकि रिप्रोडक्शन अलग चीज़ है, उसमें तो स्पर्म सेल्स बनते हैं, ओवम बनता है और फिर जाइगोट बनता है, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, फिर वूम्ब के अंदर मदर 9 मंथ तक बेबी को कंसीव करती है, फिर बेबी का बर्थ होता है। ये बहुत ही डिफरेंट इवेंट है। सेल डिवीजन का मतलब हमारे अंदर रिप्रोडक्शन बिल्कुल नहीं है, वो उससे भी बढ़कर है, पर यूनिसेल्यूलर के लिए बिल्कुल है। यूनिसेल्यूलर के लिए सेल डिवीजन ही ग्रोथ है, वही रिप्रोडक्शन है। पर यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। चलो एक चीज़ तो अच्छी थी कि नॉन लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं करते थे, तो उससे हम डिफ्रेंशिएट कर पाते कि लिविंग और नॉन लिविंग उसके बीच का डिफरेंस क्या है, आइडेंटिफाई करना थोड़ा इजी हो जाता। पर अब ये नया कुछ ला रहे, मेनी ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, अब बोल रहे लिविंग कुछ ऐसे है जो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जैसे म्यूल्स जो डोंकी और हॉर्स के हाइब्रिड स्पीशीज हैं, वर्कर बीस जो हनी फॉर्म करती है वो जनरली वर्कर हनी बीस होती है, मेल हनी बीज अलग होती है और क्वीन जो होती है वो सेपरेट होती है। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, आज इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत बढ़ती जा रही है, आज का जो वक्त है वो इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम से घिरा हुआ है। तो कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी रिप्रोडक्शन ना करते हो या कैपेबल ना हो करने के लिए, ऐसा भी हो सकता है। हैंस रिप्रोडक्शन इज नॉट अ परफेक्ट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अब यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि लिविंग और नॉन लिविंग को डिस्टिंग्विश करने के लिए रिप्रोडक्शन का भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ नॉन लिविंग तो डेफिनेटली रिप्रोडक्शन नहीं करते पर कुछ लिविंग भी रिप्रोडक्शन नहीं दिखाते, तो सेपरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग।
मेटाबॉलिज्म। और ये तीसरी प्रॉपर्टी है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म को सेपरेट करने में जो हेल्पफुल हो सकती है। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ये मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? इट इज द सम टोटल ऑफ ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इनसाइड अ लिविंग सिस्टम। ये है टोटल, किसका टोटल? केमिकल रिएक्शंस का टोटल, जो कहाँ चल रही है? सेल्स के अंदर, इनसाइड अ लिविंग सिस्टम, मतलब कि सेल ही है जो छोटे कंपार्टमेंट है हमारी बॉडी के, जो छोटी फैक्ट्रीज है केमिकल की। तो हमारे सेल्स में जो कुछ भी केमिकल रिएक्शंस चल रही है, वो सारी केमिकल रिएक्शंस को मेटाबॉलिज्म के नाम से जाना जाता है। और इसके बारे में हम बहुत खुश हैं क्योंकि इट इज़ द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हर्ष, मतलब हमें एक तो फीचर मिला जो नॉन लिविंग से लिविंग को सेपरेट कर सकता है। ग्रोथ में बड़े प्रॉब्लम थे, रिप्रोडक्शन में बड़े प्रॉब्लम्स थे, वो दोनों फीचर ऐसे थे कि जिसको यूज़ करते हुए हम नॉन लिविंग को लिविंग से डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते थे। मेटाबॉलिज्म हमारे लिए एक ऐसा फीचर है जो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफर कर देता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब हमने किया कि केमिकल रिएक्शंस जो बॉडी के अंदर चलती है, पर कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी भी है जो बॉडी के बाहर भी चल सकती है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस कैन बी डेमोंस्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जनरली हम मेटाबॉलिज्म वर्ड उन्हीं के लिए यूज करते हैं जो केमिकल रिएक्शन सेल्स के अंदर हो रही है, पर इनका कहना है कि मेटाबॉलिज्म्स मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस सेल्स के बाहर भी हो सकती है, उसके लिए सेल्स का होना ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी भी आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस है इन विट्रो मतलब बॉडी के बाहर, आर नॉट लिविंग थिंग्स बट आर लिविंग रिएक्शंस। ये लिविंग तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि ये सेल्स के बाहर होती है, एटलीस्ट लिविंग होने के लिए सेल होना ज़रूरी है। कोई भी ऑर्गेनिज्म तभी लिविंग कहा जाएगा जब वो एटलीस्ट सेल होगा। यही तो प्रॉब्लम है वायरसेस के साथ, क्योंकि वो सेल्स नहीं है, वो सेल से भी छोटे, इसलिए हम उसको लिविंग की कैटेगरी में अब तक नहीं रख पाए। तो बोल रहे कि लिविंग होने के लिए सेल का होना ज़रूरी है, एटलीस्ट आपको एक सिंगल सेल तो होना ही पड़ेगा। और ये बोल रहे कि ऐसी भी रिएक्शन से जो सेल के आउटसाइड हो सकती है, जिसके लिए सेल का होना ज़रूरी नहीं है, बॉडी के बाहर भी होती रहती है रिएक्शंस, वो दिखती तो ऐसी है जैसे लिविंग रिएक्शन है पर वो लिविंग थिंग बिल्कुल नहीं है। तो हमें उन्हीं लिविंग रिएक्शंस को इंक्लूड करना है जो रिएक्शंस बॉडी के अंदर होती है, सेल्स के अंदर होती है, वो एक्चुअल मेटाबॉलिज्म है। बाकी ये जो रिएक्शंस की हम बात कर रहे हैं, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस, वो रिएक्शंस नॉन लिविंग के साथ जुड़ी हुई है या उनको सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग्स कह सकते हैं, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ी हुई है। लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जुड़ी हुई मेटाबॉलिक रिएक्शंस अंदर से होती है, बॉडी के अंदर होती है, वो सेल के अंदर होती है।